वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज सैटरडे का दिन है और बच्चे घर में हो रहे थे बोर, इनका कहीं जाने का दिल चाह रहा था और कहीं जा नहीं पाए, तो हमने लेट नाइट बच्चों को लगी भूख और ये हमारी छत का सीन है जो हमने सारा सेटअप लगाया हुआ है। और लेट नाइट ये तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा और हम लोग छत पर गए, जो फ्रिज में सामान था हमने निकाला, हमने सोचा छत पर कुछ कुकिंग की जाए। और जब भी कभी हमारा इस तरह मूड होता है तो हम छत पर कुछ बारबेक्यू कर लेते हैं, कुछ कढ़ाई बना लेते हैं या कुछ भी चीज़ हम पूरियाँ बना लेते हैं, इस तरह का बच्चों के साथ सब मिलके हम इस तरह कर रहे होते हैं। ये मेरा बेटा हाशिर है, देख सकते हैं आप। इस वक्त हमारे पास लकड़ियाँ भी नहीं है, इस वक्त हमारे पास कोयले भी नहीं है, लेकिन बच्चों का दिल चाह रहा था कि कुछ कोयला कढ़ाई वगैरह इस टाइप की कुछ चीज़ खाने का, तो हमने मिलके बस सोचा कि कुछ प्लान करते हैं और सारे बच्चे मेरे साथ लग जाते हैं। सबसे मज़ेदार जो बात है कि सारे बच्चे मेरे साथ कोशिश में होते हैं कि कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। और ये हाशिर लकड़ियाँ तोड़ने पे लगा हुआ है। ये हाशिर का एक पुराना बेड था वो उसने तोड़ा है, और ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा सिंक रखा हुआ था जिसको अब आजकल हम आग जलाते हैं, और एक स्टैंड है हमारे पास, एक कूलर का पुराना स्टैंड रखा हुआ था जो हम इसके ऊपर रख लेते हैं, और जब हमें कुछ लकड़ियों पर बनाना होता है बिरयानी कढ़ाई, एक दफ़ा तो मैंने इस पर हलीम भी बनाया था। और लकड़ियों पर जो खाना बनता है वो यकीन करें बहुत जल्दी भी पकता है और बहुत टेस्टी होता है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है बनिस्बत जो कि हम गैस ओवन पर बना रहे होते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैं हाशिर को सारी चीज़ें तैयार करके दे रही हूँ, क्योंकि आज हाशिर और शहीद ने प्रोग्राम बनाया कि वो अपने हाथ से कढ़ाई बनाएंगे, तो वो बेचारे बच्चे अभी आग चलाने में बिज़ी हैं, तो मैंने सोचा चलो उनको वेजिटेबल मैं कटिंग करके दे देती हूँ। चिकन ले ली है, अब यह हाशिर कढ़ाई एक्सपीरियंस कर रहे हैं। थोड़ा सा हाशिर घबरा भी रहे क्योंकि आग एकदम से तेज़ हो जाती है, लकड़ियों की आग है तो वो कंट्रोल नहीं हुई, थोड़ी तेज़ हो गई थी, लेकिन बहुत इंजॉय करते हैं मेरे बच्चे। मेरे बल्कि ससुराल से भी जब बच्चे आते हैं, जब कभी हम बारबेक्यू करते हैं, तो सारे बच्चे इस मूवमेंट को बहुत इंजॉय करते हैं। मैं चूल्हा ऊपर ही रख लेती हूँ, गैस का भी, गरम गरम पूरियाँ बनाते हैं बच्चे, पराठे मेरे साथ सिखवाते भी हैं, और बारबेक्यू हो रहा होता है और छत पर बैठ के हम लोग फिर खाना खाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। तो ये चिकन डाल दी है, ऑयल गर्म हो चुका था, साथ में लहसुन अदरक डाला है थोड़ा सा। उस वक्त तक मैंने कहा कि इसको बेटा फ्राई करो, जब तक लहसुन अदरक के साथ चिकन की जो एक स्मेल होती है और कलर चेंज हो जाए, एक तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है चिकन में। तो ये हाशिर अब लहसुन अदरक के साथ चिकन को फ्राई कर रहे हैं। इनका कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें हम बाकी अपने स्पाइसेस डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें और थोड़ा सा लहसुन अदरक चॉप किया हुआ भी डालती हूँ मैं, क्योंकि कढ़ाई जब इस तरह हम बना रहे होते हैं उसमें जो चॉप किया हुआ लहसुन अदरक होता है उसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अमूमन तो मैं छिलके उतार देती हूँ टमाटर के इस तरह ढक के, लेकिन इस वक्त क्योंकि आग तेज़ है और जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ करना है, तो इसलिए आज मैंने छिलके नहीं उतारे, वरना मैं इस वक्त इसको दम देती हूँ और उसके बाद छिलका उतार के फिर कढ़ाई में मिक्स करती हूँ टमाटर, और थोड़े से नींबू भी डालती हूँ, उससे बहुत मज़े का कढ़ाई का फ्लेवर आता है। फिर मैंने एक लेमन काट के स्लाइसेस करके डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह भूनना है। अब ये हाशिर ही सारा आज काम कर रहे हैं, और हाशिर अक्सर मेरे साथ कुकिंग में माशाल्लाह बहुत हेल्प करते हैं। अब ये स्पाइसेस में ज़ीरा है, साबुत धनिया है, नमक है, काली मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, और हल्दी है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी है। ये सारे स्पाइसेस एक साथ हम इसमें डाल देंगे और इनको अब अच्छी तरह भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें कोई पानी नहीं जाएगा, इसको हम फिर कवर कर देंगे। कवर मुश्किल से 5 से 7 मिनट कवर होगा इसका पानी भी, क्योंकि आँच भी चूल्हे की तेज़ है, हमारी लकड़ियाँ जो हमने रखी हुई हैं आँच भी तेज़ है, और ये देख सकते हैं आपके इसमें अच्छा खासा पानी निकल आया है। बस टमाटर हमारे गल गए हैं, अब इसको हम अच्छी तरह भूनते हैं, और उसी भूनने के दौरान ही हमारा चिकन गल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि टमाटर गल चुके हैं, नरम तो हो गए, बस अब इसे हाशिर अच्छी तरह भून रहे हैं कि ये सारा मसाला यकजान हो जाए, और सारे टमाटर हरी मिर्ची हर चीज़ हर पूरा मसाला यकजान हो चुका है, चिकन भी गल चुकी है, कोयले हल्की हल्की जो लकड़ी है वो कोयले बन चुके हैं और दम पर हैं। अब लास्ट टच दे रहे हैं हाशिर इसमें हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक और हरा धनिया, ये मैं मिक्स करवा देती हूँ। इससे क्या होता है पूरे जो हमारी कढ़ाई है उसमें बहुत अच्छा जो लास्ट की हरी मिर्चों का टेस्ट होता है वो बहुत मज़े का आ रहा होता है, और अदरक का फ्लेवर जो कच्चा अदरक हम एंड में डालते बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। उसके बाद आखिर में आप गार्निशिंग कर दें अपनी हरी मिर्चें अदरक और हरे धनिए के साथ। तो ये देखें जनाब मज़ेदार सी हमारी गर्मा गर्म कोयला कढ़ाई तैयार है, जो कि अभी हमने लाइव बनाई है छत पे बैठ के। अक्सर हम इसी तरह की कुकिंग कर रहे होते हैं और बच्चे मेरे साथ बहुत इंजॉय करते हैं, मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ। और हमारा खाना लग चुका है, चलिए हम अपना खाना स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।